हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, या इसको इसी के ऊपर कंटिन्यूस हम बात करते हुए चल रहे हैं। इसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है बेटा। इससे पहले के लेक्चर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बना दिए, वहाँ जाके आप ले सकते हो। और भी एमएससी के बहुत सारे मैथ पढ़ाए हैं, उनकी प्लेलिस्ट भी नीचे डिस्क्रिप्शन में क्रिएटेड है, देख सकते हो। हाँ, नोट्स चाहिए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता जाता है, तो नीचे टेलीग्राम चैनल मैंने क्रिएट किया हुआ है, वहाँ पर जाके आपको नोट्स भी मिल जाएगा, नोट्स भी ले सकते हो। अब एक बार इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा बताते हुए चल रहा हूँ, हर वीडियो में बता रहा हूँ तो इसमें भी बताना ही पड़ेगा। सीओवी कुछ यूनिवर्सिटी में बेटा ये अलग से मैथ है, इसलिए मैंने इसको अलग से मैथ का नाम दिया। कुछ यूनिवर्सिटी में एक एक टॉपिक है ओनली, तो ये 32 मार्क्स का आ जाता है, क्योंकि हम सेक्शन से दो क्वेश्चन भी कर सकते हैं ना। तो ये वहाँ पे ये पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स नाम से भी कभी यूनिवर्सिटियों में है। कुछ यूनिवर्सिटियों में बेटा ये इंटीग्रल इक्वेशन मैथ है ना, जो मैंने कंप्लीट करा दिया ऑलरेडी, उसके साथ है। कुछ यूनिवर्सिटियों में ये मैकेनिक्स का टॉपिक है। तो सभी यूनिवर्सिटी में टॉपिक सेम है, बस मैथ का नाम अलग है, टॉपिक सेम है। कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन कहीं ना कहीं आ रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं मैकेनिक्स का ये पार्ट है। तो ये एग्जाम में हर जगह कहीं ना कहीं आ रहा है, डरना नहीं है, बस आपको करना है इस क्वेश्चन को सोल्व आराम से। बहुत ही अच्छा मैथ है, बहुत ईजी है। 18वें लेक्चर पे पहुंच गए तो आपको पता ही चल गया आगे इस मैथ में है क्या, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है, करते रहिए। चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो अभी हम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का क्या है इसका हम पूरा ये जान लेते हैं कि सिलेबस हम करेंगे क्या क्या। सबसे पहले लेक्चर में सीखेंगे कि यूलर इक्वेशन क्या होता है, फिर सेकेंड लेक्चर में क्या सीखेंगे, एक्सटीमल ऑफ दी फंक्शन निकालना सीखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, सबसे पहले किसमें, जिसमें वाई डैश रहेगा, फिर उसमें जिसमें वाई डैश जेड डैश दो रहेंगे हमारे, फिर थर्ड लेक्चर में क्या है डबल डेरिवेटिव का रहेगा, फिर फिफ्थ लेक्चर ट्रिपल डेरिवेटिव आ जाए, उसके बाद एक हमारी थ्योरम रहेगी जिससे हम शॉर्टेस्ट लेंथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना सीखेंगे। सेवन्थ लेक्चर में क्या है बेटा, तो कर्व पासिंग रहेगा, इसे हम जर्नेट ऑफ द सरफेस निकालना सीखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद एट्थ में हमारी बच्चे सोरियम प्रॉब्लम रहेगी, वो सीखेंगे। फिर हमारा 9वें लेक्चर में फिर तुम्हारा सेक्टर में मतलब ऑफ द फंक्शन निकालना सीखेंगे, इसमें एक नई प्रॉब्लम आएगी उससे सीखेंगे। फिर हमारा 10th में फिर एक्सटीमल ऑफ द फंक्शनल निकालना सीखेंगे, किसका, एक ये प्रॉब्लम इस प्रकार से दी रही होगी हमारी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। 11th से हमारा जियोडिक्स सर्व हो जाएगा। जियोडिक्स में क्या रहेगा, सबसे पहले हम राइट सर्कुलर सिलेंडर का इक्वेशन निकालना सीखेंगे, फिर कोण का 12th लेक्चर में, 13th में हमारा स्पेयर का, फिर 14th लेक्चर से ना बेटा हमारी यूलर इक्वेशन जो हमने सीखी थी उसकी इंपॉर्टेंस थ्योरम शुरू हो जाएगी। हाँ, 14th में एक थ्योरम है हमारी, फिर 15th में हमारी अलग से थ्योरम है, 16th में हमारी बेटा इसको आइसोट्रॉपिक भी बोलेंगे, आइसोट्रॉपिक्स प्रॉब्लम्स रहेगी, टॉपिक का नाम रहेगा ये, इसका न्यूमेरिकल ये 16th न्यूमेरिकल और 19th न्यूमेरिकल दोनों सेम है, बट मैंने अलग अलग लेक्चर में लिया है क्योंकि ये अभी लेटेस्ट पैटर्न का न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आना शुरू हुआ था, तो वहाँ से। फिर हमारा 17th एक दोबारा से एक थ्योरम है हमारी, 18th हमारा जो मूविंग बाउंड्री प्रॉब्लम है बेटा, जिसका नाम कई बार आएगा ट्रांसविलिटी कंडीशन, जिसका एक एंड फिक्स रहेगा, एक इसमें दो पार्ट रहेंगे बेटा, ये मैंने खाली आपको बताने के लिए लिया है। जब इनके लेक्चर लेंगे ना बेटा तो एक थ्योरम के पांच पांच नाम है, वो सब मैं लेक्चर लूंगा ना, इस थ्योरम का पांच नाम, इसके पांच नाम, सबके चार चार पांच पांच नाम है, तो जब मैं लेक्चर लूंगा ना वहां पे तो इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है, वो पूरे लेक्चर में ब्रीफ के साथ आपको मैं वहां पे दे दूंगा। अभी वैसे मैं आपको ओनली क्या है बेटा ये बता रहा हूँ कि ये टॉपिक मैं कराऊंगा, तो अभी तक यही प्लान है, आगे में जो जो टॉपिक्स मेरे पास आते रहेंगे मैं आपके पास शेयर करता रहूंगा। तो अभी आज का टॉपिक शुरू करते हैं, वेरिएशनल प्रॉब्लम विद मूविंग बाउंड्री ऑफ द वेरिएबल एंड पॉइंट विद ट्रांसवर्टी कंडीशन। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके दो पार्ट है, कभी एग्जाम में पहला पार्ट पूछता है तो कभी दूसरा पूछता है, लगभग लगभग फर्स्ट पार्ट पूछने की कोशिश करता है एग्जामिनर। क्या आएगा, इफ वन पॉइंट इज फिक्स एंड अदर इज वेरिएबल्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए एग्जाम में आता ही आता है, कोई इसमें वॉइस शक और शंका नहीं है कि नहीं आएगा एग्जाम में। तो क्या टॉपिक है दोबारा रिपीट करता हूँ, वेरिएशनल प्रॉब्लम विद मूविंग बाउंड्री ऑफ वेरिएबल्स एंड पॉइंट विद ट्रांसवर्टी कंडीशंस। पहले क्या है, एक पॉइंट फिक्स है, दूसरा हमारा वेरिएबल है, दूसरे में क्या रहेगा, बोथ पॉइंट आर वेरिएबल। दोनों पार्ट को एक ही लेक्चर में लेंगे, अलग अलग नहीं लेंगे, अलग अलग लेंगे तो फिर आपको एक लेक्चर मिलेगा, एक नहीं मिलेगा तो फिर एग्जाम में आपके लिए सही नहीं रहेगा। तो अभी क्या है, इसमें वन पॉइंट फिक्स एंड अदर पॉइंट इज वेरिएबल, पहले ये करते हैं फिर हम सेकंड पार्ट करेंगे। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना हो। और हाँ, अगर आपको नोट्स चाहिए तो मात्र 100 रुपीज में नोट्स भी अवेलेबल है, प्लस में वीडियो लेक्चर्स, प्लस में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में,
वो आप जाके वहां ज्वाइन हो जाइए और वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं पहला पार्ट। इफ वन पॉइंट इज फिक्स एंड अदर इज वेरिएबल, तो इसका मतलब क्या है, लेट वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, एक्सट्रीमाइज द फंक्शन, क्या स्टेटमेंट रहेगी इसकी। चार से पांच स्टेटमेंट आती है बेटा एग्जाम में, या तो सिंपल सा दे देगा, तो पहला मैंने बता दिया ये लिख के, ये पहली पार्ट ये दे देगा ओनली, या फिर दूसरी इसकी स्टेटमेंट आ सकती है जो कि मैं पढ़ा रहा हूं, लेट y इज इक्वल टू वाई एक्स एक्सट्रीमाइज ऑफ द फंक्शनल आई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स वन से लेके एक्स टू, फंक्शनल हमारा दे रखा है एक्स वाई वाई डैश डी एक्स, और हमें दे देगा एक्स वन हमारा क्या है फिक्स है एंड वाई एक्स वन इज इक्वल टू क्या है ए है, बट अदर एंड इज नॉट, अदर एंड फिक्स नहीं है, तो अदर एंड क्या है एक्स टू कॉमा वाई टू लाइज ऑन द कर्व वाई एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, जो दूसरा कर्व है वो क्या है जी एक्स है, वाई एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, सो दैट वाई एक्स एक्स टू इज इक्वल टू जी एक्स टू, तो जो हमारी दो ये इक्वेशन आएगी इनको सेटिस्फैक्ट्री करेगा, ये जो दो इक्वेशन हमारी आएगी इस फंक्शनल से, ये प्रूव करना है हमें इस फंक्शनल से हमारी ये दो इक्वेशन आएगी, ये स्टेटमेंट आ सकता है दूसरा। तीसरी क्या आ सकती है, एक और पढ़ो, तीसरी एग्जाम में जो आई ये सारी कंडीशन आई हुई है डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी में डिफरेंट डिफरेंट नाम से, क्या पूछ लेता है फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल, सेम हमारा आई वाई इज इक्वल टू दे दिया एक्स वन इज फिक्स सच दैट वाई एक्स वन इज इक्वल टू ए है एक्स टू इज नॉट फिक्स लाइज ऑन द कर्व जी एक्स और वाई एक्स इज इक्वल टू जी एक्स सो दैट वाई एक्स टू इज इक्वल टू जी एक्स टू, ये दे सकता है। तीसरा क्या दिया हुआ है, तीसरी चौथी कंडीशन क्या दी हुई है, एक्सप्लेन मूविंग बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इन द कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन आल्सो ऑब्टेन ट्रांसफिलिटी कंडीशन एसोसिएटेड विद द फंक्शनल, ये हमारा फंक्शनल दे दिया वेर वन एंड इज फिक्स। तो बेटा ये चार नाम एक ही टॉपिक के हैं, जो पहला टॉपिक है उसका, ये चार नाम डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ है। अब इसका प्रूफ करते हैं कि इसका प्रूफ क्या है, पहले तो अभी तक नाम के ऊपर बात किया है देखो, तो अभी प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ क्या, हमारा गिवन है फंक्शनल, ये हमारा गिवन है, हमें पता है वाई इक्वल टू वाई एक्स क्या है एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल आई वाई, इसका क्या है एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल है विद किसके है वाई एक्स वन इज इक्वल टू ए एक्स वन हमारा क्या है बेटा फिक्स है, ये सभी को पता है, एंड अदर पॉइंट आर वेरिएबल ओवर जी एक्स, अदर क्या है हमारा वेरिएबल है किसके जी एक्स के। ठीक है बेटा, तो हमें यहां से याद रखनी, हमने कर लिया नीटा एक्स विद आर्बिटेरी कंटिन्यूस फंक्शन, नीटा हमने लेट कर लिया कि नीटा एक्स है वो क्या है हमारा आर्बिटेरी कंटिन्यूस फंक्शन है, तो कर लेते हैं लेट वाई एक्स विद चेंज टू वाई एक्स को हम चेंज कर रहे हैं अभी किसमें वाई एक्स प्लस एप्सिलॉन नीटा एक्स में विच सेटिस्फाई द सेम बाउंड्री कंडीशन, जो जो आई वाई को सेटिस्फाई करे जो वाई एक्स को सेटिस्फाई करेगी ना बेटा, जो अभी वाई आई को चेंज कर रहे हैं ये, इसको भी वो सेम बाउंड्री कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करेगी, तो हमारा क्या होगा आगे, आगे क्या होगा भाई देखो, हमें पता है किसी भी फंक्शन को एक्सट्रीमम होने के लिए क्या चाहिए, फंक्शनल को एक्सट्रीमम होने के लिए क्या चाहिए डेल आई इज इक्वल टू जीरो, डेल का मतलब क्या है डिफरेंशिएशन बेटा, मैं कंटिन्यूस बताते हुए आ रहा हूँ। ठीक है, तो आई की वैल्यू हमारी दी हुई थी, इसके बाहर मैंने डेल लगा दिया, अब इसके ऊपर कह रहे हैं लेबनीज रूल लगा दिया बेटा यहाँ पे। ठीक है बेटा, कौन सा रूल लगाया लेबनीज रूल, लेबनीज रूल क्या बोलता है, मैंने नीचे लिखा हुआ है इस इक्वेशन पे हमने लेबनीज रूल लगाया, तो क्या लिखेंगे हम नीचे इंटीग्रेशन ओवर एक्स वन से लेके एक्स टू डेल एफ एक्स कोमा वाई कोमा वाई डैश डी एक्स, फिर एक बार एक्स टू पे लेंगे माइनस का साइन, एक बार एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वन पे लेंगे, दो पे लेंगे क्योंकि हमारा एक एंड फिक्स है और एक एंड फिक्स नहीं है वेरिएबल है, तो इसलिए हमने ये लेबनीज रूल लगाया, लेबनीज रूल लगाने पे हमने ये लेबनीज रूल से इसको अलग अलग लिख दिया, हमें पता है एक्स वन क्या है बेटा फिक्स है, तो डेल एक्स वन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, फिक्स का मतलब एक्स वन हमारा वन है मान लो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो बेटा जीरो आएगा, कुछ कॉन्स्टेंट टर्म आएगी तो जीरो ही आ जाएगा ना हमारा, तो ये क्या है ये वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये एक्स वन पे है हमारी डेल एक्स वन पे है, डेल एक्स वन की वैल्यू कितनी आ गई जीरो, तो ये वाली क्या बच जाएगी जीरो, तो हमारा क्या बच गया ये बचेगा बेटा ओनली, ठीक है इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। चलो आगे करते हैं, लिख दिया इज इक्वल टू जीरो, अब यहां पे क्या कर दिया देखो, अब इसका डेल का क्या मतलब है डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन करो देखो, पहले फंक्शन का करेंगे एफ करली एफ अपॉन करली एक्स, बेटा ये तो फंक्शन का कर दिया हमने, अब अंदर वाले का भी तो करेंगे करली एक्स, फिर क्या होगा करली एफ अपॉन करली वाई, फिर अंदर वाले वाई का करेंगे, फिर करली एफ अपॉन करली वाई डैश, फिर अंदर वाले वाई का करेंगे, तो इस प्रकार से मैंने लिख दिया। अब x को तो सभी को पता है फिक्स है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा जीरो हो जाएगा, तो मैंने इसलिए यहाँ पे इसको लिखा नहीं, ये इसको लिख दिया। ठीक है, ये वाले टर्म एज इट इज मैंने यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखो आप, ठीक है आगे क्या किया, इसको रफ करते हैं, आगे दोबारा समझाता हूं आपको। अभी देखो, अब अलग अलग इंटीग्रेशन, ये देखो
ठीक है बेटा, अलग अलग अभी इसको इंटीग्रेशन के साथ अलग लिख देता हूँ, इसको इंटीग्रेशन के साथ अलग लिख देता हूँ, दोनों को अलग अलग करके लिख दिया, ये टर्म मेजोरिटी इज इक्वल टू जीरो है। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट मेथड लगा दे सेकेंड टर्म पे, इस वर्ल्ड टर्म पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट मेथड लगा दिया इस पे, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड क्या बोलता है, यू वी मेथड, मतलब यू ये मान लो, वी इसको मान लो, तो ये देखो ये टर्म सेम लिखी मैंने एज इट इज। अब इसका देखो, ये यू माना, यू को मैंने एज इट इज बाहर लिख दिया, यहां क्या है इंटीग्रेशन डेल वाई डैश, बेटा एक बार इंटीग्रेशन एक बार डिफरेंशिएशन, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा डेल वाई। इस पर लिमिट क्या लेनी है, एक्स वन से लेके एक्स टू माइनस का साइन, इंटीग्रेशन ओवर एक्स वन से एक्स टू, यू का डिफरेंशिएशन, यू का डिफरेंशिएशन कर दिया डी बाई डी एक्स, ये यू लिख दिया। फिर हमारा दोबारा से इसका इंटीग्रेशन आएगा, तो इंटीग्रेशन तो हमारा यही किया था, डेल वाई आएगा, डेल वाई लिख दिया डी एक्स, ये हमारा एज इट इज कॉलास्ट था जीरो। अब इसमें लिमिट कर दो तो क्या जाएगा, डेल वाई एक्स टू माइनस डेल वाई एक्स वन, और डेल वाई एक्स वन की वैल्यू कितनी है, जीरो है, क्योंकि क्या है एक्स वन क्या है हमारा फिक्स है, तो जीरो हो गई। तो हमारा क्या ये आया, ये क्या हो गई बेटा, जीरो हो गई। तो यहाँ पे ये एज इट इज बच गया, ये हमारा था एज इट इज, ये हमारा हो गया। अब ये आगे क्या बोल रहा है, मैंने पहले ही बताया था ये क्या बोल रहा है, नाउ वी चेंज वाई इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस एप्सिलॉन नीटा एक्स, वाई को एक्स को किस में चेंज कर रहे हैं, वाई एक्स प्लस एप्सिलॉन नीटा एक्स में, देन कोरस्पॉन्डिंग चेंज टू एक्स टू विल हैव बी डेल एक्स टू, एक्स टू भी हमारा चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा, इफ वराइज दिखाओ वाई एक्स इज इक्वल टू जी एक्स था गेवन था ऑलरेडी, द चेंज वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स टू इज, ये क्या बोल रहा है, जहां एक्स है एक्स टू को हम क्या कर देंगे, एक्स टू प्लस डेल एक्स टू पुट कर देंगे एक्स की जगह, तो यहां भी पुट होगा, यहां भी पुट होगा, तो मैंने पुट कर दिया ये जी एक्स है, क्योंकि ये हमारा वाई एक्स की वैल्यू क्या है, ये है बेटा वाई एक्स प्लस एप्सिलॉन नीटा एक्स इज इक्वल टू क्या है बेटा, जी एक्स है, और एक्स को हमें किस में चेंज कर रहे हैं, एक्स टू प्लस डेल एक्स टू, एक्स टू को चेंज कर रहे हैं ना बेटा, यहां पे लिख दिया ना इसने, तो यहां पे एक्स टू प्लस डेल एक्स टू पुट कर दिया। बताओ क्या दिक्कत हुई, यहां तक किसी को कुछ समझ में दिक्कत हो रही हो तो देखो दोबारा थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा, कुछ बच्चे डाउट में आएंगे, एक बार दोबारा यहीं पे रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि लेक्चर हमारा बहुत लंबा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, वाई एक्स है उसको चेंज कर रहे हैं, वाई एक्स की जगह वाई एक्स प्लस एप्सिलॉन नीटा एक्स, और वाई एक्स किसके इक्वल था हमारा, जी एक्स के इक्वल था, तो अभी जी एक्स किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया ना बेटा, चेंज हो गया ना, ठीक है। और एक्स टू को किस में चेंज कर रहे हैं, एक्स टू प्लस डेल नीटा एक्स टू में चेंज कर देंगे, तो एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, अभी हमें पता है वाई एक्स टू, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई एक्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, जी एक्स टू के इक्वल हो जाएगा। अब क्या करें, ये इक्वेशन हमने अभी निकाली और एक ये अभी निकाली, दोनों इनमें को माइनस कर दो आपस में, तो वो पहले वाली थी राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड माइनस कर दिया। अब इस पे ऊपर टेलर थ्योरम लगा दी बेटा, अब ये मत बोलना सर टेलर थ्योरम भी आप ही पढ़ा दो, ये हमने यहाँ पे टेलर थ्योरम लगा दी, यहाँ पे टेलर थ्योरम लगा दी, टेलर थ्योरम इस पे लगेगी, इस पे लगेगी और इस पे लगेगी टेलर थ्योरम, ठीक है। हमने ये टेलर थ्योरम अप्लाई कर दिया नीचे, ठीक है, टेलर थ्योरम अप्लाई किया तो यहाँ पे ये आया, इस पे किया तो ये आया, माइनस वाई एक्स टू एज इट इज रहेगा, इस पे किया तो ये आया बेटा, और इस पे किया तो ये आया। फिर हमने देखा कि करली वाई एक्स टू से वाई एक्स टू कैंसिल हो रहा है ये वाला और ये वाला, जी एक्स टू से ये जी एक्स टू कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे कैंसिल कर दिया, बाकी बची हुई टर्म को हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है बेटा। आगे क्या किया हमने, ओनली सिंगल डेरिवेटिव वाली टर्म ले लिया, ठीक है, सिंगल डेरिवेटिव, यहाँ भी सिंगल डेरिवेटिव, यहाँ भी सिंगल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव तक की टर्म लिख लिया अगले पेज पे मैंने, देखो डबल डेरिवेटिव। और ये क्या है बेटा, जो एक ये है ये भी है, तो ये बेटा इसको क्या है, ये बहुत ही स्मॉल है, तो ये क्या है ऑटोमेटिक इसको क्या कर देते हैं बेटा, नेगलेक्ट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अभी आगे देखो, तो हमारी यहाँ पे प्लस डैश डैश टर्म तो कुछ आएगी, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव चलते रहते हैं ना, यहाँ भी सिमिलरली। तो ये क्या बोल रहा है, एप्सिलॉन नीटा एक्स टू को क्या कर ले हम, डेल एक्स टू जी एक्स वन एक्स टू है, इस टर्म को भी दूसरी साइड भेज दें हम इस साइड में, तो माइनस डेल एक्स टू वाई डैश एक्स टू प्लस हायर ऑर्डर टर्म भी आएगी बेटा, जो हमारी इसकी हायर ऑर्डर टर्म है, इसकी हायर ऑर्डर टर्म है, वो सारी चलती रहेंगी, ठीक है। अब यहाँ से देखो, डेल एक्स टू दोनों में से कॉमन है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, जी डैश एक्स टू और यहाँ पे वाई वन एक्स टू प्लस में हायर ऑर्डर टर्म चलती रहेगी। यहाँ से मैं डेल एक्स टू की वैल्यू निकाल दूँ तो ये इसके नीचे आ जाएगा, लिख दिया, और हमारा डेल एक्स टू ही क्या है बेटा, डेल एक्स टू है दूसरे वाला, यही हमें वैल्यू निकालनी थी, ये वैल्यू वहां उस इक्वेशन में पुट कर दो तीसरी में, ये डेल एक्स टू की वैल्यू, ये थर्ड इक्वेशन थी ना हमारी, इसी में डेल एक्स टू की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे मैंने इसको पुट कर दिया है सेम।
और यहां पे मैंने थोड़ा चेंज करके भी लिखा, क्या चेंज लिखा, यहां डेल वाई डी एक्स कॉमन है, यहां भी डेल डी वाई डी एक्स कॉमन है, तो दोनों में से कॉमन निकाल के यहां क्या बच गया, कर ली एफ अपॉन कर ली वाई, और यहां क्या बच गया, माइनस का साइन डी बाई डी एक्स कर ली एफ अपॉन कर ली वाई डैश, ये बच गया, ये टर्म एजिटिज थी, ये मैंने यहां पर एजिटिज लिख दिया, ये यहां पर एजिटिज था, यहां पर एजिटिज लिखा, कर ली वाई टू की हमने यहां पर वैल्यू पुट कर दी, जो अभी निकाली वो यहां पर पुट कर दी। और हमें थोड़े देर पिछले लेक्चर में मैंने बताया था एप्सिलॉन नीटा हमारा किसके इक्वल है, डेल वाई के इक्वल है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे इस एप्सिलॉन नीटा एक्स टू है हमारा, तो यहाँ भी एप्सिलॉन एक्स टू के इक्वल हो जाएगा, ये दोनों इक्वल होते हैं, तो मैंने ये वैल्यू यहाँ पे ये पुट कर दिया, बाकी हमारा सेम लिखा है, ठीक है बेटा। अभी हमें सभी को पता है इसमें से डेल एक्स टू कॉमन है, इस बीड में से दोनों में से कॉमन है, दोनों में से कॉमन निकाल देते हैं, डेल वाई एक्स टू कॉमन निकाल दिया, ये अगले वाली टर्म सेम, बीच वाली सेम, यहां से डेल एक्स टू ये हमारा कॉमन था, कॉमन निकाले तो अंदर क्या बच गया, कर ली एफ अपॉन कर ली वाई वन प्लस में ये बच गया एक्स टू इजिकल टू जीरो। डेल वाई क्या है बेटा, हमारा आर्बिट्रेरी है, तो बेटा जो अंदर वाली टर्म्स है ये वाली टर्म भी किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के इक्वल, और ये वाली टर्म भी किसके इक्वल हो जाएगी हमारी, जीरो के इक्वल, और यही हमें प्रूव करना था बेटा। इसको रीअरेंज करके हम ये भी लिख सकते हैं, कभी ये एग्जाम में ना ये आ जाए तो डरना नहीं है, ठीक है, तो ये भी आ सकती है। तो ये था हमारा फिक्स का बेटा। अभी आ जाए बोथ हैंड पॉइंट आर वेरिएबल, देखो कुछ नहीं है दोनों में, कि डिफरेंस क्या है, उसमें x1 फिक्स था, इसमें x1 और x2 दोनों क्या है, बोथ हैंड पॉइंट आर वेरिएबल, दोनों पॉइंट क्या है, वेरिएबल है बेटा, तो कुछ नहीं, सेम हमारा आई वाई रहेगा यही, उसको एक्सट्रीमल होने के लिए बेटा सेम हमारी कंडीशन रहेगी, वही वाई एक्स को हम इसमें चेंज करेंगे, सेम कुछ चेंजेस नहीं है, ठीक है। डेल आई हमारा किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल होगा, तो सेम हम वही रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे, लैबनीज रूल लगाया, लैबनीज रूल में हमने दोनों यही पे इक्वल टू जीरो माना था, ठीक है। अब बेटा इसमें हमने, मैंने यहां पे क्या कर दिया था, हमने यहां पे किया था x1 इज फिक्स किया था, तो डेल x1 क्या हो गया था, जीरो हो गया था, बट यार दोनों एंड वेरिएबल है, तो यहां पे इस x1 को तो जीरो नहीं कर सकता ना मैं, तो यहां मैंने क्या किया, वहां उस केस में हमने क्या किया था, डिफरेंस क्या है दोनों में, मोटा मोटा मैं यहीं पर बता देता हूं, उसमें क्या है बेटा, ये देखो थोड़ा गलत लिखा हुआ मैंने, एक्स वन है यहां पर, ठीक है, मैंने क्या किया था उसमें एक्स वन को जीरो कर दिया था, तो ये पूरा हटी कैंसिल हो गया था, तो हमने वहां पे ओनली डेल एक्स टू की वैल्यू निकाली थी। अब यहां पे ये भी जीरो नहीं है और ये भी जीरो नहीं है, तो हमें यहां पे डेल एक्स वन की भी वैल्यू निकालनी है और डेल एक्स टू की भी वैल्यू निकालनी है, और फिर यहां पे पुट करनी है, फिर हमारा आंसर आएगा बेटा, ठीक है। अब करते हैं आगे, अगले में मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को मैंने लेट कर लिया के, यहां भी क्या लेट कर लिया मैंने, के कर दिया इजिकल टू जीरो, के की वैल्यू हमने ये दोनों मान लिया, ठीक है बेटा। उसके बाद इसने क्या किया, बहुत ही सिंपल है, अभी अंदर क्या था, डेल है बेटा, डेल को तो हटाना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएशन वही, कर ली एफ अपॉन कर ली एक्स डेल एक्स, फिर कर ली एफ अपॉन कर ली वाई डेल वाई, फिर कर ली एफ अपॉन कर ली वाई डैश डेल वाई डैश प्लस के इज इक्वल टू जीरो। एक्स हमारा क्या है, फिक्स है, सो डेल एक्स क्या हो जाएगा, जीरो। बेटा एक्स वन फिक्स नहीं बोला मैंने, एक्स फिक्स बोला बेटा, तो एक्स फिक्स है तो एक्स डेल एक्स की जीरो, तो ये वैल्यू जीरो आ गई, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। इसमें हमने अलग अलग डिफरेंस इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, इस पे फिर वही सेम पार्ट मेथड लगा दिया, क्योंकि डैश वाले क्या लगाते हैं, पार्ट मेथड, इज के इज इक्वल टू जीरो, बेटा वही सेम पार्ट मेथड से जो पिछले अभी सोल्व किया, वही हमारा सेम टर्म एज इट इज यहाँ पे हमने सोल्व करके आ गई। यहाँ पे क्या किया था, सेम किया बेटा, अलग अलग करके लिख दिया यहाँ पे, यहां तक किसी को कुछ दिक्कत हो तो बताओ, ये था। यहाँ पे हमने क्या किया था, फिर x1 को जीरो कर दिया था, यहाँ पे कुछ भी जीरो नहीं किया मैंने, एक बार इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करके यहाँ लिख दिया, फिर एक बार इसकी मल्टीप्लाई करके इसके साथ मैंने यहाँ लिख दिया प्लस k इज इक्वल टू जीरो। ये मैंने इक्वेशन a मान लिया बेटा। k की वैल्यू आप सभी को पता है, मैंने f1 वाली f2 वाली वैल्यू जो है वो k1 वाली है, सेम। अभी वाई एक्स को फिर वही उसमें चेंज किया बेटा, x1 को x में चेंज किया, तो सेम वैल्यू वही आएगी बेटा, ये आ गई इक्वेशन हमारी यहाँ पे, वाई एक्स वन एच वन के इक्वल आ गया, क्योंकि उसमें हमने g मान लिया, तो इसमें हम h मान के चल रहे हैं। फिर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट किया तो ये आया, फिर वही टेलर थ्योरम लगा दी बेटा, टेलर थ्योरम लगा ही, तो उसमें पहले y था तो इसमें y हो गया, इसमें g था इसमें h है, तो h h कैंसिल हो गया, बाकी टर्म सेम, ठीक है। तो सेम हमारी डेल x1 की वैल्यू आ गई बेटा, सिमिलरली हमारी डेल x की आई है, तो दूसरी क्या आ जाएगी, डेल x2 की वैल्यू आ जाएगी, दोनों इक्वेशनों को, इन दोनों डेल x1 की वैल्यू और डेल x2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर ए यहाँ पे पुट कर दे, बोलोगे यहाँ पे कहाँ पे करते, अरे k की वैल्यू आपको पता है ना, k के अंदर है ना वो, देखो आगे समझा देता हूँ,
ये हमारी k की वैल्यू मैंने यहाँ पुट करके लिख दिया। अब यहाँ पे पुट कर दो यार, दोनों को पुट कर दिया, बताओ यहाँ तक क्या कष्ट हुआ किसी को। अब यहाँ पे देखो, अब पुट कर दिया यहाँ तक आपने, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं आई। आगे चलते हैं, अभी हमें पता है कि एप्सिलॉन ईटा इज इक्वल टू किसके इक्वल है, डेल वाई के इक्वल है। एप्सिलॉन ईटा डैश किसके इक्वल है, डेल वाई डैश के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने ये पुट कर दिया दोनों की जगह। अब देखो, अब कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा आपको, क्या नजर आ रहा होगा, कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा। तो कॉमन है वो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे एक्स टू वाला टर्म कॉमन थी ये ले लिया, एक्स वन वाले थे एक्स वन को उठा लिया यहाँ से, ठीक है, इनसे डेल वाई कॉमन आ रहा है ना, इसमें डेल वाई कॉमन है, इसमें डेल वाई कॉमन है, ये हमारा अलग ही चल रहा था तो कॉमन निकाल दिया डेल वाई। तो हमें अभी इसे पता है डेल वाई क्या है, हमारा आर्बिट्रेरी है। तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाली जीरो के टर्म, ये वाली जीरो के टर्म और ये वाली जीरो के इक्वल हो जाएगी, तीनों टर्म क्या हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी। यही तो हमें प्रूव करना था बेटा। बेटा ये था आज का लेक्चर, इसमें कुछ नहीं है, पहला चैप्टर मैंने पहला लेक्चर एक दूसरे के साथ क्यों लिया, क्योंकि पहले वाले का कॉपी है दूसरा, उसमें क्या है डेल एक्स वन को जीरो करते जा रहे थे, इसमें डेल एक्स वन को जीरो नहीं कर रहे थे। तो ठीक है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और मैं आपको दो चार इन्फॉर्मेशन और भी बता देता हूँ कि हमने एमएससी के बहुत सारे मैथ कंप्लीट कर लिए हैं। सभी का लिंक नीचे प्लेलिस्ट के फॉर्म में मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है सभी के, नीचे एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लीजिए, वहाँ पे सारे मैथ अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लगते सबके फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, पहले ओनली नोट्स पेड है मात्र 100 रुपीज़ में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बाकी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, अब जाके ले सकते हैं। और कुछ प्रॉब्लम आती है तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ आपकी प्रॉब्लम्स का भी सोल्व किया जाएगा। ठीक है बेटा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।